चलिए सबसे पहले तो वेलकम करना चाहूंगी आपका। थैंक यू। साथ ही साथ आपसे जानना चाहूंगी आपके वेब सीरीज द रेड लाइन के बारे में। सो पांच दिन पहले एक नया एप्लीकेशन लॉन्च हुआ है जिसका नाम है पांच दिन पहले एक एप्लीकेशन लॉन्च हुआ है जिसका नाम है जेमप्लेक्स, जो सारे OTT कंटेंट दिखाएगा और मोबाइल फोन्स में, एंड्रॉयड में, iOS में, सब जगह पे वो लॉन्च हो गया है। उसका ये शो है द रेड लैंड। जेमप्लेक्स के बारे में आपको बताऊं, जेमप्लेक्स एक पहला ऐसा OTT प्लेटफॉर्म है जहाँ पे VOD और म्यूज़िक दोनों आएगा, जहाँ पे वीडियो कंटेंट भी आदमी देख सकता है और एट द सेम टाइम वो म्यूज़िक भी सुन सकता है। उसका ये शो है द रेड लैंड, बनारस के ऊपर बेस्ड है और बनारस की दबंगता के ऊपर बेस्ड है। हमने पूरी शूटिंग भी इसको बनारस में करी है। पॉलिटिकल सिनेरियो के ऊपर है, थोड़ी सी गुंडाई के ऊपर है, यूपी की गुंडाई के ऊपर है, कॉलेज पॉलिटिक्स के ऊपर है, कहीं जातिवाद के ऊपर है, जहाँ पे आज भी बहुत ज़्यादा बनारस में अगर आप देखेंगे तो आपको ठाकुर और यादव और अलग अलग जो हैं वो सब, उनके बारे में ये शो है। तो उनको कहीं दर्शाता हुआ है, ताकत के ऊपर है, पावर के ऊपर है। सो दैट इज़ द शो एंड हमने सारी शूटिंग बनारस में करी और बहुत मज़ा आया। और बहुत सारे मेरे जो कैरेक्टर का नाम है वो बबलू ठाकुर नाम है और मुझे लगता है मैं बहुत सारे बबलू ठाकुरों से वहाँ पर मिल के आ रहा हूँ। सो मेरे कैरेक्टर का नाम बबलू ठाकुर है। ये ठाकुर खानदान का एक अगला चिराग है जिसके पापा एक पहले एक लैंड माफिया हुआ करते थे, लैंड माफिया के वो डॉन हुआ करते थे और वो धीरे धीरे वो पॉलिटिक्स में चले गए। सो जब तक बबलू ठाकुर बड़ा हुआ तब तक उसके पापा पॉलिटिक्स में हैं और बबलू ठाकुर एक बहुत ही शॉर्ट टेम्पर्ड बंदा है, दिल का बहुत अच्छा है, लेकिन क्योंकि वो ठाकुर है, वो बचपन से उसने ताकत देखी है और सिर्फ पावर देखी है, बंदूक देखी है, तो उसको उसी की भाषा आती है। तो ये उस तरह का कुछ कैरेक्टर है जहाँ पे वो बात कम करता है, उसकी बंदूक ज़्यादा बात करती है। एट द सेम टाइम दिल का बहुत अच्छा है, तो कहीं अगर उसको ऐसा लगता है कि मुझसे गलती हो गई तो वो उसको माफ़ी भी मांग लेता है, उसको बुरा भी लगता है, हर्ट भी होता है। उसकी फैमिली को लेके वो बहुत टची है, उसकी फैमिली को लेके वो बहुत ज़्यादा पोजेसिव है, उसको लगता है कि उसका उसके छोटा भाई है, उसके पापा या उसके पूरे फैमिली को कहीं पर भी आ जाए तो उसको बहुत गुस्सा आता है। तो उसका उस टाइप का कुछ कैरेक्टर है। बहुत दबंग है, बहुत ताकतवर है और वो किसी को कुछ नहीं समझता, वो है वो खुद ही है जो भी है। कितना कुछ प्रिपेयर करना पड़ा आपके लिए? मुझे बहुत प्रिपेयर करना पड़ा क्योंकि मैंने कभी बनारसी एक्सेंट पे मैंने नहीं किया था एक्टिंग, तो मुझे बनारसी एक्सेंट में काम करना पड़ा। उनकी बॉडी लैंग्वेज थोड़ी सी अलग सी होती है तो उसमें मुझे काम करना पड़ा अलग तरीके से। अगर आप बनारस में जाएंगे तो आपको यूपी में और स्पेशली बनारस के आसपास आपको एक अलग पॉजेस लेते हुए वो बात करते हैं, थोड़ा सा ना वो अलग से बात करते हैं। वो उसको अडाप्ट करने में मेरे को टाइम लग रहा था, तो पहले का दो दिन मुझे बहुत ऐसा लगा कि यार अच्छा वो मैं अडाप्ट कर पा रहा हूँ कि नहीं, कि मतलब हम कह रहे हैं ना कि वो मतलब दे एम्फसाइज। सो उन चीज़ों में मुझे थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ी। द डायरेक्टर वॉज वेरी गुड, विवेक श्रीवास्तव जी ने इसको डायरेक्ट किया है, बहुत ही काबिल डायरेक्टर हैं और उन्होंने बहुत हेल्प करी कि वो खुद बनारस के थे तो वो डायलॉग मुझे बोल पा रहे थे और वो मुझे बनारसी एक्सेंट डायलॉग बोल के बता देते थे तो मैं उसको कवर कर लेता था, ऐसे सुन के ग्रास्प कर लेता था। कितना चैलेंजिंग रहा या कितना इंटरेस्टिंग रहा शूटिंग? शूटिंग हमने बहुत इंजॉय किया, एक महीने हम वहाँ पे थे बनारस में, एक महीने से थोड़ा सा ज़्यादा हम बनारस में थे, बहुत इंजॉय किया। थोड़ा सा टफ था क्योंकि गर्मी थी और जब आप रियल लोकेशंस में शूट करते हो तो आपको वहाँ के लिए जो एक्चुअल लोग होते हैं, जो एक्चुअल वहाँ के यू नो पीपल ट्राई एंड सी द शूट्स एंड दे वांट टू बी अ पार्ट ऑफ इट एंड दे वांट टू मीट यू ऑल्सो एंड दे वांट टू टॉक टू यू,
सो वो थोड़ी सी डिफिकल्टी बहुत ज़्यादा थी क्योंकि वहाँ पे वो बहुत ओवरवेलमिंग प्यार था उनका, तो वैसे बीच में आता था कि यार हम मिलने आए हैं, पहले हमसे मिलिए तो बट इन्जॉय बहुत किया, बहुत फन था, हमने बहुत खाया। बनारस में सब लोग बहुत खिलाते हैं, बहुत प्यार करते हैं, तो बहुत खिलाते हैं। बनारसी पान मैंने बहुत खाया। शूटिंग के दौरान वहाँ पे जो हमारी कास्ट थी उसमें से कुछ लोग ऐसे भी थे जो बनारस के ही एक्टर्स हैं जो बनारस में थिएटर करते हैं, तो उनके साथ में काम करके बहुत मज़ा आया। मेरे जो पूरी कास्ट है, जो मेन कास्ट है, वो बहुत ही बड़ी कास्ट है। अभिमन्यू सिंह इज़ माई फादर, गोविंद नामदेव जी हैं जो मेरे ताऊजी प्ले कर रहे हैं, फ्लोरा साइनी मेरी छोटी माँ हैं, दयाशंकर पांडे जी हैं, तो ये सारे मूवी के एक्टर्स हैं, तो उनके साथ में शूट करके मुझे बहुत मज़ा आया। इट वॉज अ ग्रेट लर्निंग एक्सपीरियंस यू नो शूटिंग विद देम। मैं उनके सामने बहुत नया था। मदलसा भी हैं, मदलसा और ये सब लोग मूवीज़ के हैं, और उनके सामने मैं ही जरूर एक था जो मूवीज़ का नहीं हूँ। बट इट वॉज ग्रेट फन, दे वर वेरी कोऑपरेटिव, वी रियली हैड नाइस टाइम, एंड बहुत अच्छा कुछ निकल के आया है एंड लोगों को पसंद आ रहा है, सो आई एम हैप्पी। मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत माइंड ब्लोइंग रहा है इसमें, क्योंकि इतने बड़े एक्टर्स के साथ में काम करने का मिला इसलिए भी, बनारस में जाने का मौका मिला इसलिए भी, काशी विश्वनाथ टेम्पल मुझे जाने की बहुत इच्छा थी, तो वो मैं फाइनली देख पाया, उन दर्शन कर पाया महादेव के, तो इसलिए भी। बनारस के लोग बहुत प्यारे हैं और बहुत प्यार करते हैं और बहुत दिल से प्यार करते हैं, तो एक्सपीरियंस इसलिए भी बहुत अच्छा था। जिस तरह से लिखा गया है द रेड लैंड, वो शो बहुत ही गुड और बैड के बीच में ही है पूरा, जो जो कहानी है वो पूरी उसके बीच की है। सो इट इज़ एक तरीके से बहुत चैलेंजिंग हो जाता है, जहाँ पे आप पॉजिटिव नहीं हो, नेगेटिव नहीं हो, सारे किरदार जो हैं वो कहीं ना कहीं ग्रे में हैं, तो इस वेब सीरीज़ के सारे किरदार जो हैं वो किसी एंगल से ग्रे हैं, अच्छे भी हैं, उनमें अच्छाई भी है और बुराई भी है। इस पूरे सिनेरियो को जस्टिफाई करना वाज अ ग्रेट चैलेंज फॉर एवरी एक्टर, क्योंकि आप जिसके साथ में भी काम कर रहे हो, ही शुड नॉट कम अक्रॉस एज अ रॉन्ग पर्सन और यू शुड नॉट कम अक्रॉस एज अ रॉन्ग पर्सन। सो दैट वाज चैलेंजिंग फॉर मी एज एन एक्टर, बिकॉज यू हैव टू स्टिक टू द क्राफ्ट सो मच दैट यू डोंट गो रॉन्ग एनीवेयर एंड यू डोंट मेक समबडी एल्स गो रॉन्ग। आपकी वजह से कोई और ऐसा टोन ना ले ले या ऐसा सुर ना ले ले एक्टिंग का जो आपके किरदार को या उसके किरदार को कुछ गलत दिखाने लग जाए, बिकॉज इट्स वेरी सेंसिटिव थिंग, सो यू हैव टू बी लिटिल सेंसिटिव अबाउट यू नो द कंटेंट। सो उसको करने में बहुत मज़ा आया, वो सेंसिटिविटी को अपने किरदार में ढालने में बहुत मज़ा आया, सो इट वॉज ग्रेट फन। पसंद आई या फिर मतलब शूटिंग के अलावा या। मुझे दो चीज़ें बनारस की बहुत अच्छी लगी, एक बनारस की लस्सी बहुत अच्छी लगी और दूसरी बनारस का पान बहुत अच्छा लगा। बट जोक्स अपार्ट, मुझे बनारस की सबसे अच्छी चीज़ महादेव का मंदिर लगा और काशी विश्वनाथ जी का टेम्पल जो है वहाँ पे, वो मुझे सबसे प्यारा लगा और मुझे बहुत शांति मिली उसमें। काल भैरव के टेम्पल गया था मैं, वो मुझे बहुत पसंद आया, मुझे बहुत अपना फील हुआ वहाँ पे जाके। बनारस में तीन चार चीज़ें जो मैं कभी नहीं भूलूँगा, एक बनारस का जो महादेव के प्रति प्यार है, वो महादेव का बनारस के प्रति जो प्यार है, वो बनारस के लोगों का जो बाहर जो होते हैं उनके प्रति प्यार है, वो बहुत ज़्यादा है, तो ये सारी चीज़ें मैं कभी नहीं भूलूंगा। आपका न्यू सॉन्ग आया है तुझे पाने को, ये टी सीरीज पे आया, चार दिन ही हुए हैं बट इसको मिलियंस में व्यूज मिले, 3-4 मिलियन क्रॉस कर चुका है, सो कैसी फीलिंग है ये जानना? मुझे बहुत मज़ा आ रहा है, मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जो गाना है वो, ऑफकोर्स टी सीरीज का गाना है तो आप कुछ ऐसी उम्मीदें आपको भी होती हैं कि वो अच्छा ही होगा। टी सीरीज दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है म्यूज़िक को लेके, एक्सक्यूज मी सो मुझे क्योंकि वो टी सीरीज का गाना है
तो आपको थोड़ी सी उम्मीदें होती हैं कि वो अच्छा करेगा और उसको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलेगा. सो आई वॉज होपफुल कि वो चलेगा, लेकिन मुझे इतनी जल्दी इतना पिकअप कर लेगा, फर्स्ट दिन में इट क्रॉस्ड, फर्स्ट डे में इट क्रॉस्ड आई थिंक 2.2 मिलियन, ये उम्मीद नहीं थी मुझे, बट क्रॉस कर गया वो एंड आई एम रियली हैप्पी. आई थिंक इट इज़ रीचिंग 4 मिलियन इन 2 डेज 3 डेज. आई एम रियली थैंकफुल टू गॉड, आई एम रियली थैंकफुल टू ऑल दी पीपल जिन्होंने देखा और इतना प्यार दे रहे हैं और पसंद कर रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है एंड आई एम सो थैंकफुल. थैंक यू सो मच गाइज कि आप लोगों को इतना पसंद आ रहा है गाना. So, thank you. मैंने बहुत अलग फील किया क्योंकि मैंने